शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा जिले के मुंडी में सिंगाजी ताप परियोजना के जलकुआ गेट का 3-4 दिन पहले एक साइड टूट गया था, जिसके चलते 2 दिन से परियोजना के जलकुआ गेट के पास 0 पॉइंट केबिन के पास तेंदुआ जैसे जानवर को देखने की बात सामने आ रही थी, जिसके लिए सुरक्षा विभाग के द्वारा दाना डाला गया, जहां CCTV कैमरे में जानवर दिखाई दिया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर वन विभाग बूंदी कुर्मी के डिप्ट रेंजर अपनी टीम के साथ परियोजना पहुंचे। यहां से सुरक्षा अधिकारी संघ सुरक्षा टीम लेकर 0 पॉइंट केबिन के पास पहुंचे और जानवर के पद के निशानों की फोटो लेकर मिलाया गया। 0 पॉइंट के पास घना जंगल होने से जानवर के वहां छुपे होने का अंदेशा है, जिसके बाद टीम सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। CCTV फुटेज की जांच की, फुटेज में जानवर तो नजर आया लेकिन कौन है यह कोई नहीं बता पाया। वही वन विभाग की टीम सर्च अभियान में जुट गई। तेंदुआ की सूचना फैलते ही मजदूरों को अकेले निकलने का मना कर दिया गया, साथ ही परियोजना से लगे आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल है। देखिए खबर खंडवा की न्यूज चैनल पर। रजाक खान की रिपोर्ट। वरिष्ठ के निर्देशानुसार हमको पता लगा कि यहाँ कोई जंगली जानवर घुसा है प्लांट में, तो उनके निर्देशानुसार हम यहाँ आए। यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सुरक्षा के, उनके साथ में हमने किया प्लांट का भ्रमण, तो हमको कुछ जानवर दिखने का मतलब कोई शंका है, और हम गए वहाँ मौके पे देखा तो हमको ना कोई उसके पग मार्ग दिखे कोई और कुछ नहीं। उसके बाद में जब हम वापस आए और उनका CCTV फुटेज में देखा तो उसमें कोई जानवर दिखता तो है क्या, पर वो स्पष्ट मतलब दिख पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है वो, सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई जानवर है। अब हमारी कार्रवाई इसके आगे और चालू है, अभी हम और जो सर्चिंग करेंगे इसके लिए।